कितनी क्यूट है। अब भी ऐसी दिखती है, प्यारी सी गुड़िया जैसी। मुझे कैसे पता होगा कि वो अभी कैसी दिखती है? आपने मुझे एक बार भी फोटो नहीं दिखाई, मुझे उसकी फोटो दिखाइए। अभी दिखा दो। ये लो। एक मिनट साली मेरी जीजा मैं हूँ, पहले फोटो मैं देखो, मेरा हक बनता है। एक्सक्यूज मी, पहले मेरा हक बनता है क्योंकि मेरी बहन है, तो मुझे माही की फोटो देखनी है। क्या तू तो ले ले। रब दा लख लख शुक्र है, जैसा हमने सोचा था ना वैसा नहीं हो। ट्विंकल ने माही वाली बात को ना बड़े अच्छे से आसानी से झेल लिया। बस अब रब करे माही भी हमें इसी तरह अपना ले, मेरा परिवार एक बार फिर से पूरा हो जाएगा जी। वाहेगुरु जी दी मेहर है, जरूर होगा। तुमने मेरे पापा का फोन तोड़ दिया, अब मैं माही की फोटो कैसे देखूंगी? तो मैं रिपेयर करा दूंगा, उसके बाद देख लेना। मुझे तुम्हारा एहसान नहीं था, अब जब मेरी बहन इंडिया आएगी ना तो मैं उसे फेस टू फेस ही देखूंगी डायरेक्टली। गुड। सुनो भाई साहब, अपनी गाड़ी पीछे लीजिए ना। अरे पीछे गाड़ी खड़ा है। मुझे पीछे गाड़ी गाड़ी पीछे लीजिए ना। सुनो मुझे एम्बुलेंस निकालनी है, मेरा बच्चा सीरियस है। बाबा जी, ये आंटी कितना परेशान हो रही है लेकिन कोई भी इनकी मदद नहीं कर रहा है। भैया आप जरा अपनी गाड़ी पीछे लीजिए ना। बहुत हुआ, ये लड़के भी आंटी जी को कोई मदद नहीं कर पा रहे हैं, अब मुझे ही कुछ करना होगा। अरे यहाँ से निकलो बहन जी। ये लड़की तो कमाल की है, कैसे ही फटाफट ट्रैफिक क्लियर करा रही है। हेलो, यहाँ बीच सड़क में क्यों खड़ी हो? अब ट्रैफिक के साथ साथ क्या मुझे लोगों को भी हटाना पड़ेगा? मरने का शौक है क्या? सॉरी। एक्सक्यूज मी, ये एड्रेस मुझे बताएंगे प्लीज? वो ये पटाखा कौन है? एड्रेस आइए देख लेते हैं। ये एड्रेस। अब मैडम जी किससे मिलना है आपको? ओए तेरी, ये ट्विंकल भाभी जी कहाँ से आ गई? कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम नहीं। एड्रेस ये तो मेरे घर का एड्रेस है। क्या काम है तुम्हें, किससे मिलना है? माही पापा माही माही मेरे पुत्र बेटे, तुम्हारी माँ है। और ये तुम्हारी बड़ी बहन ट्विंकल। माही मेरी गलती है बेटा, मैंने तुम्हें तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन से अलग रखा, उनके बारे में बताया था। तुझे लास्ट देखा था, पहली बार अपनी बहन को देखा, पहचान भी नहीं पाई और डांट और दी। बहुत स्टुपिड हूं मैं, सॉरी, माफ कर दे मुझे प्लीज। माफ करेगी ना? अब हुई ना हमारी फैमिली कंप्लीट। इस घर का बेटा तुम्हारी जो ट्विंकल दीदी है, इनका बेटर हाफ, सॉरी बेस्ट हाफ तुम्हारा जीजू। हाय कुंज। हाय जीजू। आज हम सबके लिए वाकई बहुत बड़ा शुभ दिन है। सत श्री अकाल बहन जी। सत श्री अकाल मिसेस बेदी। की गल है, आपको एक खुशखबरी देनी थी। अरे मेरी बेटी का रिश्ता पक्का हो गया है,
इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर पार्ट रखा है। तो बड़ी चंगी खबर दी आपने, मुबारक। अरे बहन जी, ये सोनी कुड़ी कौन है? कितनी सोनी है? ए, मेरी छोटी बेटी है, अभी अभी लंदन से आई। छोटी बेटी ए, नारा ही है। अरे वाह, इसके लिए तो सोना मुंडा मैं ही ढूंढूंगी। मैं शादी नहीं कर सकती। क्यों माई? हमारी माही शादी क्यों नहीं कर सकती? मैं शादीशुदा हूँ। तुमने शादी कर ली? कब? किससे? आज तक मुझसे बिना पूछे तुमने घर से कदम बाहर नहीं निकाला और तुमने शादी कर ली? वो बहुत अच्छा लड़का है पापा, सच्ची आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। माही तुम, एक मिनट पापा। मैं आपको बताने से डर रही थी इसलिए मैंने उसे कोर्ट मैरिज कर ली। और वो तो मेरे साथ प्रॉपरली शादी करना चाहता है, मेरे परिवार के साथ, सबके आशीर्वाद से, आपके आशीर्वाद से। अब उसकी फैमिली भी यही अमृतसर में रहती है। माही तुम, एक मिनट, जो होना था सो हो गया जी, अब हमें अपने बच्चे की खुशियों के बारे में सोचना चाहिए। माही बेटा, कहीं उस लड़के ने तुम्हारा फायदा तो नहीं उठाया और उसी मजबूरी में तुम्हें उसके साथ शादी करनी पड़ी?